नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र बधौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल है सारा सुखनगर को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर आने वाली वीडियो को अगर आप जल्द देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप अशोकनगर शहर के निवासी हैं और सुकून में अपनी पूरी रात सो रहे हैं तो आपको अब जाग जाने का समय आ गया है, क्योंकि अशोकनगर शहर में चोरों का एक स्प्रे गैंग हावी हो रहा है। बीते 3-4 दिनों में अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें चोरों ने परिजनों पर स्प्रे किया और इत्मीनान से चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने लोगों की और महिलाओं के हाथ कान गले में पहने सोने और दूसरे जेवर भी निकाल लिए। इस नई तकनीक के बाद पुलिस को भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज मिला है। साथ ही जो लोग इस तरह की चीज़ों को पहली बार समझ रहे हैं उनके लिए बड़ा मामला हो सकता है। दरअसल 22 तारीख की दरमियानी रात टीवी टावर के पास रहने वाले फिरोज खान व गजराम यहाँ के यहाँ इसी तरह की चोरी हुई थी। चोर अपने साथ कुछ बेहोशी वाला स्प्रे लाए और पूरे परिवार को स्प्रे सुंघा दिया। इसके बाद चोरों ने अपने काम को अंजाम दिया और बड़े आसानी से रुपये व गहने ले जाने में सफल हुए। फिरोज खान के परिवार का कहना है कि हमारे घर की महिलाओं के हाथों में अंगूठी थी, उनको भी वह ले गए, साथ ही ब्रेसलेट की चूड़ियां पहनी थी, चोरों ने उनको भी निकाला मगर नकली होने के बाद उन्हें वहीं फेंक दिया। इस तरह 40,000 रुपए की चोरी स्प्रे सुंघाने के बाद की। बीती रात को भी इसी तरह की घटना आई, इसमें भी स्प्रे सुंघाने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मामला स्वामी जी की बगिया का है, यहां रहने वाले सुरेश सेन की यहाँ चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि करीब 1,00,000 रुपए के आसपास की यह चोरी हुई है, जिसमें मंगलसूत्र, कानों की झुमकी, पायल और गुल्लक में रखे करीब 12,000 रुपए नकद ले गए हैं। तीनों चोरी एक ही प्रकार से की गई है। परिजनों का कहना है कि कुछ कमरे में स्प्रे कर दी गई थी, जिसके कारण उनको गहरी नींद आई और उनके साथ क्या हो रहा है इसकी उनको जानकारी भी नहीं मिली। तो एक नई तरह की वारदात चोरों ने शुरू की है, तो स्प्रे गैंग से जरा बचकर रहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साहिब खान। साहिब खान, क्या घटना हुई है आपसे? मतलब हमारे घर में चोरी हो चुकी है, मतलब कि जिसमें है ना 40,000 रुपये कैश था और बाकी 20-30,000 रुपये की रकम थी, वो सब चले गए। कब की घटना ही? ये रात के 2 से 4 बजे के बीच की। अच्छा, कौन कौन था घर में? घर में मेरी 3 बहनें, एक मैं और हमारे मम्मी पापा। कैसी घटना हुई है? मतलब कि हमको बेहोश करके किया गया ये सब कुछ। जी अच्छा, तो बता रहे हैं कि आपको बेहोश कर दिया था, तो ताले वाले भी तोड़े हैं क्या? हाँ, मतलब कि लॉकर की जो चाबी रखी हुई थी मम्मी के पास से, वो उन्होंने उठा के सारी, मतलब लॉकर में जो कुछ भी सामान था वो सब उन्होंने चोरी कर लिया। जी, और मतलब कि हमारी बहन की उंगली में से अंगूठियाँ निकाल के ले गए। जी, और वो मम्मी जी की बिछुड़ी वगैरह ले गए और क्या, और हाँ, मम्मी जी के हाथों में जो चूड़ियाँ थी उसको वो है ना सोने की समझ रख के, मतलब वो नकली थी, उसको सोने की समझ के उन्होंने निकाली हुई थी। हाँ। है ना, लेकिन उनको पता चला कि ये सोने की नहीं है तो उन्होंने दोबारा दूसरे हाथ में पहना दी। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब कि कितनी जोर से हमको बेहोश किया कराया था। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कर दी है? हाँ जी, FIR लिखवा दी है, इसकी शिकायत कर दी हमने। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? चोरी हुई। कब? रात को। कितने बजे? 2 बजे। अच्छा, कैसे, क्या हुई है? जी, मतलब अलमारी तोड़ी, अलमारी तोड़ने के बाद सारा सामान, जेवरात वगैरह, चुमकी, पायल, ये ले गए और मंगलसूत्र वगैरह है, ये ले बच्चों की, बच्चों की 1,00,000 के करीब होता सामान। और कितने क्या बजे चोरी हुई, आप कहाँ थे उसको? हम सो रहे थे अंदर, तो रोड का देखा बच्ची उड़ी दूध के वहाँ, देखा तो ताला खुले मिले, अलमारी खुली खुली। तो वो ताले वाले भी तोड़े हैं क्या? नहीं, उसके अलमारी ताले नहीं खुले, लॉकर में चाबी लगी थी। बाहर का तोड़ा है? बाहर का खुला है। आए कहाँ से चोर घर के? चोर छत पे जीना पे से आए। अच्छा, तो लेटरिंग के लिए जब मैं आया तो दरवाजा मेरा खुला पाया गया। मैंने अपने बच्चों के लिए बुलाया, बहू के लिए बुलाया, बेटा के लिए बुलाया और मेरी घरवाली को बुलाया। वो जहाँ पे खड़े होकर के सब लोगों ने देखा कि ये तो जो है ना किबाड़ खुला हुआ है, इसके अंदर कोई हो सकता है, तो हम लोग अंदर नहीं गए, ये बाहर के बाहर अंदर से बंद कर दिया। पुलिस को फ़ोन किया, 4 बजे करीब जो है ना पुलिस, माने 10 या 12 मिनट 15 मिनट में पुलिस आ गई है। यहाँ 6 जवान पुलिस के थे, उन्होंने यहाँ देख के और जो है इसका मुआयना लिया है, फ़ोटो खींच के, और हमसे कहा था कि आप थाने में जाना, तो कल हम जो है थाने में भी गए, एप्लीकेशन वगैरह। तो कहाँ से चाबी वाबी कहाँ से जोड़ी है? चाबी ये सामने जीना के नीचे टंगी थी। अच्छा, जीना यहाँ से ली। हाँ, चलिए ठीक है।